ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हर हर महादेव के अनहदनाथ से महाशिवरात्रि पर्व का हुआ शुभारंभ। संस्था का 28 दिवसीय भव्य शिव जयंती महोत्सव का शुभारंभ रिफाइनरी नगर, लक्ष्मी नगर, अकबरपुर और बलदेव सेवा केंद्रों पर धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक आशीष माइती, विधायक कारिंदा सिंह, विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व कमिश्नर सीताराम मीना, लक्ष्मी मिश्रा, PCS डॉक्टर कमल कौशिक, महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महोत्सव समिति डॉक्टर चारू जैन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष समेत शहर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस दौरान गीत संगीत नाटक और जनसंपर्क द्वारा दिया परमात्मा का संदेश। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 गांव के प्रतिभागियों ने लिया भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प। परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा धूमधाम से मनाया गया। 28 दिन चलने वाले इस आयोजन में रिफाइनरी नगर, लक्ष्मी नगर, अकबरपुर और बलदेव क्षेत्र में जनसंपर्क और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस को बुराइयों और व्यसनों से दूर रहने तथा ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अपने जीवन को दिव्य बनाने हेतु प्रेरित किया गया। अरे क्या बताऊं भैया, सेठानी तो बहुत ही अच्छी है, इतना ख्याल रखती है मेरा पूछो मत, इतना मेरा सुबह शाम सारा काम टाइम से करती है, बहुत ख्याल रखती है। सुशीला एकदम सुशील है, कितनी तारीफ करूं वो भी कम है उसकी। अच्छा, और आपका बेटा? मेरा बेटा रवि, वो तो इतना आज्ञाकारी है, जहाँ कह दो वहीं खड़ा हो जाता है, मुझे तो उस पे बड़ा अभिमान है। और मेरी बेटी तो क्या कहूँ, वो मेरे दिल का सुकून है, नाक से भी लंबी है मेरी बेटी। अच्छा, टीना नाम है इसका। अच्छा बेटी, और क्या रखूँ? और 2 किलो भिंडी रख देना, और सुन 5 नींबू और 250 ग्राम अदरक जरूर रख देना भाई। अरे पता नहीं है, कोरोना चल रहा है आजकल। सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बी के कृष्णा दीदी ने बताया कि यह संस्था विगत 86 वर्षों से विश्व के 147 देशों में आध्यात्मिक ज्ञान की निशुल्क शिक्षा दे रही है। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इस कलयुगी रात्रि का तम हरने और सतयुगी सृष्टि का सृजन करने हेतु सभी आत्माओं के पिता परमपिता शिव विगत 86 वर्षों से ब्रह्मा तन का आधार लेकर राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं। शिव के अन्य नाम नीलकंठ और अमरनाथ भी हैं। इसका अर्थ है कि वह स्वयं समस्त जगत की बुराइयों और अवगुण रूपी विष का पान करके सभी को ज्ञान रथ पिलाकर अमरत्व की प्राप्ति कराते हैं। इसी की यादगार में भक्तगण शिवलिंग पर विषैले फल और फूल अर्पण करते हैं। स्थानीय विधायक पूरन प्रकाश, विधायक कारिंदा सिंह, NCC कमिश्नर डॉक्टर कमल कौशिक ने संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू शिविर की मधुर स्मृतियों को साझा किया। पूर्व कमिश्नर सीताराम मीना ने संस्था द्वारा किए जा रहे समाज उत्थान के प्रयासों की मुक्त कंठ से भूरी भूरी सराहना की। प्रधानमंत्री ने विगत 20 जनवरी को संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के समारोह आजादी के अमृत महोत्सव की लॉन्चिंग की। इसके अंतर्गत 75 गांव के प्रतिभागियों ने भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लिया। इन आयोजनों में मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारीगण, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और संस्था के सुदूर ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में भाई बहनों ने सहभागिता की।